अस्सलाम वालेकुम। तो आई गाइस कैसे हो, सभी तो आज ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो इस वाली वीडियो में आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है, वो है ये ड्रोन जो कि DJI का मिनी 2। आप लोग देख सकते हैं DJI का मिनी 2 जो कि है कॉम्बो पैक। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, इस वाले वीडियो को बहुत मजा आने वाला है, तो जरूर देखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे मुझे फॉलो करें और ये वाली वीडियो आप जो है फेसबुक पे भी देख पाएंगे। अच्छा तो अभी इसके अभी खोलने लगे हम लोग ये, तो जो है पहले तो यहाँ पे बहुत सारी जो है इसकी जैसे कि इक्विपमेंट जो जो जिसमें चीज़ें आती हैं वो लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और बाकी इसके अंदर ये वाली चीज़ें होंगी, ये सारा डब्बा आप लोग देख सकते हैं। तो अभी इसको मैं खोलने वाला हूँ, तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर हमारा आ चुका है बैग जो कि इसके साथ मिलता है हमें ड्रोन के साथ, जो कि दिखते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसमें यहाँ पे पॉकेट दी हुई है ताकि आप इसमें सामान रख सकें। और इसके अंदर हमारी मेन चीज़ है ड्रोन, तो उसको भी खोल देते हैं अभी हम लोग। इसको यहाँ से जिप है, यहाँ से इसको जिप को खोलते हैं। तो ये रहा हमारा ड्रोन, इसको सबसे पहले ड्रोन को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ड्रोन, उसके बाद ड्रोन आ जाता है, उसके बाद हमारी आती है एसेसरीज की बॉक्स जिसके अंदर बैटरी वगैरह और भी कुछ चार्जिंग वगैरह की चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारा जो है जॉयस्टिक आ चुकी है, जॉयस्टिक को भी यहीं पे रख देते हैं। उसके बाद जो है ना मैनुअल बुक, जिससे कि मेरी ये इसको खोलने में, फोल्ड करने में, बाकी और भी चीज़ें देखने के लिए इन्होंने बुक दी हुई है, तो उसको बुक को भी इसके पास ही रख लेते हैं। बाकी अब बैग आप देख सकते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पर भी टॉप पे जो है जिप दी हुई है। इसके अंदर चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या है। ओ, इसके अंदर तो ड्रोन के प्रोपेलर्स दिए हुए हैं, पंखे इन्होंने जो है बहुत सारे दिए हुए मेरे ख्याल से, और कुछ जॉयस्टिक की जो है ये स्टिक्स दी हुई हैं ताकि हम जॉयस्टिक को मूव कर सकें। फिर से फैन आ गए, और जो है ये जो है स्क्रू ड्राइवर है जिससे कि अगर आपको कुछ मसला आ जाता है ड्रोन में तो आप खोल सकते हो। इसके बाद हमारे बैग का ये ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा अब मुझे समझ आई कि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें बनी हुई जो थी इस बॉक्स पे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी, यही इतनी सारी चीज़ें। अच्छा तो अभी इस वापसी इस बॉक्स को यहीं पर रख लेते हैं, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले हमारी आ जाती है एसेसरीज़ की बॉक्स आप देख सकते हैं। ओ, इसके अंदर चार्जिंग केबल है, ये भी ठीक है, और ये मेरे ख्याल से बैटरीज हैं। यहाँ पे जो है फ़ोन होल्डर आता है, यहाँ पे आप लोग फ़ोन लगा सकते हैं। और जो केबल आई थी वो मैंने पहले से लगा दी हैं, तो ये हमारे पास जो है सैमसंग गैलेक्सी A21s है, तो मैं जो है इस पर ये लगा के भी आपको दिखा देता हूँ। तो जो है सबसे पहले हमारा फ़ोन लगेगा इस तरह से, फ़ोन लग जाएगा हमारा इस तरह से। अब जो है इसकी जो केबल है वो आप कर लेंगे कनेक्ट फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब उसके बाद जो है आप लोगों को ये नीचे दिख रही होंगी जॉयस्टिक, पहले तो ये एक्स्ट्रा मिली थी, ये जो है एक्स्ट्रा मिली थी, लेकिन इसके साथ भी आती है, अगर वो वाली गुम हो जाती है तो आप ये यूज़ कर लें। तो सबसे पहले जो है जॉयस्टिक को निकाल लेते हैं, ये एक निकल चुकी है, इसको लगा लेते हैं, ये भी लग चुकी है। अब दूसरी भी निकालते हैं, उसको भी लगा लेते हैं। तो हमारी दोनों जॉयस्टिक लग चुकी हैं और जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। अभी इसको रख लेते हैं साइड में, और हमारी मेन चीज़ जो कि है ड्रोन, इसके साथ एक बेल्ट आता है जो कि इसको अनफोल्ड करने के लिए करना पड़ता है। तो ये हमारा ड्रोन है, आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। अब इसको खोल लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे बेल का यहाँ पे ये आता है बटन, इसको बटन से खोलते हैं ऐसे करके, तो ये खुल जाता है। फिर इसके बाद हम लोग बेल को रख देते हैं साइड पे। जो हमने इसका बेल्ट है वो अभी निकाल चुके हैं हम लोग, तो जो है सबसे पहले इसका ये जो कवर है गिम्बल और कैमरे के साथ, पहले इसको निकालते हैं। यहाँ पर सील लगी हुई है, इस सील को खोलते हैं, और फिर इस वाली सील को भी खोल लेते हैं। तो इस वाली सील को भी खोल चुके हैं। अब जो है इसको ट्रिक होती है निकालने की, ये बड़ी मुश्किलों से निकलता है, तो
तो आप जो देख सकते हैं यहाँ पे जो है आगे यहाँ पे चीज आ रही होगी, इसको आप यहाँ से खींचेंगे तो वो निकल जाएगा। सो यहाँ से खींचने से आपका ही पास ये निकल जाएगा। इसके बाद जो है अभी ये मतलब इसके बाद हम लोग अनफोल्ड कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं कि कैसे करना है, हमें कैसे अनफोल्ड करना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये जो लंबे वाले होते हैं जिसके यहाँ पे स्टैंड आ रहा होता है, सबसे पहले इनको आगे की तरफ खोल लेते हैं। इस वाले को भी आगे की तरफ खोल लेते हैं। और जो ये वाले, ये तो उसे भूल जाता हूँ मैं कैसे खोलने होते हैं, तो उसको नीचे की तरफ ऐसे करके खोलने होते हैं। और फिर दूसरा वाला भी इस तरह से खोल लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये ड्रोन। ड्रोन को अभी नीचे रख लेते हैं और जो है अभी बैटरी पे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें बैटरी लगती है। इसमें 3 बैटरियाँ हैं और जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितनी चार्ज है। तो यहाँ पे बटन आता है, पावर बटन, यहाँ से हम लोग खोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तीनों में फुल बैटरी है। तो अभी इसको नीचे रखते हैं और एक बैटरी इसमें से निकालते हैं, नंबर 1 वाली। तो इसमें से बैटरी निकाल के हम लोग जो है पीछे यहाँ पे इस जगह पे यहाँ इस तरफ पे यहाँ पे नीचे बटन होगा, उस जगह को दबा के इससे नीचे से खोल लेंगे। तो इसको खोलने ऊपर करने से यहाँ पे बैटरी डलती है। तो ये हमारा नंबर 1 बैटरी है और इसको डाल लेते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद इसको बंद कर लेते हैं। और जो है गाइस इसके अंदर जो है ना SSD कार्ड के लिए स्लॉट आता है। आप जो देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा आ रहा होगा, इसके अंदर आप SSD कार्ड आप अपना डाल सकते हैं। और सबसे पहले अपना मोबाइल खोल लेते हैं। मोबाइल खोलने के बाद आपको जो है यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक इनकी जो है वेबसाइट से जो है DJI Fly मैंने जो है ये डाउनलोड की हुई है, इनकी ऐप डाउनलोड की हुई है, ताकि जो है मैं इन दोनों को कनेक्ट करके चला सकूं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जॉयस्टिक पे यहाँ पे बटन आ रहा होगा, तो इनको एक और दूसरी दफ़ा प्रेस करके, पहले दफ़ा आपने दबाना फिर एक दफ़ा प्रेस करते रहना ताकि ये चल जाए। फिर उसके बाद आपका ये जब चल जाएगा तो आपने DJI की फ्लाई जो है एप्लीकेशन आपने खोल लेनी है। तो अभी जो है एप्लीकेशन को मैं खोल लेता हूँ। तो हमारी एप्लीकेशन अभी खुल चुकी है। और जो है इसके जब एप्लीकेशन खुल जाए तो उसके बाद आपने ड्रोन लेना है। इसको मैं यहीं पर रख लेता हूँ। जो ड्रोन है यहाँ पे भी ड्रोन के नीचे बटन आ रहा होगा, तो बटन को एक दूसरी दफ़ा होल्ड करना है। फिर जब ये तो कर लेंगे तो एकदम से आवाज़ आएगी की की करके, ये जो है ड्रोन सेटअप पूरा होता है कि ये चल रहा होता है, तो मशीन की आवाज़ें आती हैं। तो उसके बाद यहाँ पीछे आप लोग देखेंगे तो लाइट जलेगी। तो अब जो है नीचे रख लेते हैं। अब उसके बाद आप लोग के बाद जो है यहाँ पे आ जाएं। फिर उसके बाद कनेक्ट हो चुका है हमारा ड्रोन, आप लोग देख सकते हैं मैं नज़र आ रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं मैं बिल्कुल नज़र आ रहा हूँ। अभी इसको यहीं पे रख लेते हैं। तो जब आपका ड्रोन ये कनेक्टेड हो जाए, अगर नहीं हो रहा तो जो है आप सेटिंग्स पे जाके 3 डॉट पे जाके आप कंट्रोल पे जाएं। फिर सबसे नीचे जाके यहाँ पे लिखा होगा रिपेयर एयरक्राफ्ट, यहाँ पे जो है आप लोग अपना वापसी कनेक्ट कर सकते हैं अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो। फिर यहाँ पे गो फ्लाई पे क्लिक कर लें। फिर उसके बाद जो है हमारा ड्रोन अभी चल रहा है, बिल्कुल दूर दूर कर लेते हैं, पता चला अभी इसके फैन चलने स्टार्ट हो जाए। तो जो है अब इसमें 2 तरीके के चलाने के तरीके आते हैं। पहले तो दोनों बटन नीचे कर लें, ये जो दोनों जॉयस्टिक है इनको जो है नीचे की साइड कर लें तो इनके फ़ैन चल जाएंगे, लेकिन ये उड़ेगा नहीं। जब तक आप ये वाला जॉयस्टिक लेफ्ट वाला ऊपर नहीं करेंगे तो ये ऊपर नहीं होगा। और एक होता है ऑटो टेक बटन, नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लिखा होगा ऑटो टेक ऑफ। तो यहाँ से ऑटो टेक ऑफ करने के बाद आपको होल्ड करना है ताकि ये ऊपर जा सके। ऊपर जाने के बाद ये 1 मीटर तक ऊपर चले जाएगा, उसके बाद आप लोग आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है चलते हैं हम जो ग्राउंड पे चलते हैं, फिर मैं आपको चला के दिखाता हूँ कैसे चलता है। तो गाइस अब हम लोग जो है अपने पास के ग्राउंड में आ चुके हैं, ईदगाह के ग्राउंड में। यहाँ पे ड्रोन उड़ाने के लिए बहुत बड़ी जगह है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत अच्छा ग्राउंड है यहाँ पे। तो जो है यहाँ पे हमारा ड्रोन अभी टेक ऑफ करेगा, तो इस ड्रोन को उड़ा लेते हैं। पहले मैं जो है 1 मीटर ऊपर लेके गया, फिर मैंने बोला चलो और ऊपर लेके चलते हैं, फिर मैं और ऊपर लेके गया। बता दूं कि जो है यहाँ जैसे चीलों का गॉल आ रहा होता है या फिर कबूतर का गॉल आ रहा होता है, तो इनसे आपको बचा के रखना है। या तो उनको नुकसान हो सकता है या तो आपको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर ड्रोन क्रैश हो जाए तो उससे नुकसान हो जाएगा। तो इससे आपको जो है थोड़ा
डेंजरस है ये, इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सेफ चलाएं, कि यहाँ पे अगर कबूतर वगैरह आ रहे हैं तो आप उस साइड पर कर लें। और बाकी जो है हमारा अभी ड्रोन हवा में उड़ रहा है, अभी हम लोग यहाँ पे बीच में, मैं बीच में खड़ा हो चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। और समर बड़ी गर्मी हो रही है, समर चल रहा है अभी, और जो है बड़े बादल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ड्रोन में, बड़े ऊपर से हमने कराची का व्यू लिया, बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, DJI Mini 2 का एक बेहतरीन फीचर जो मुझे पसंद आया है वो है गिम्बल वाला, जैसा कि जो जॉयस्टिक है उसके आसपास जो है स्क्रोलिंग बटन होगा, उससे आप स्क्रोल करेंगे तो जो है जो गिम्बल है कैमरे के साथ जो गिम्बल लगा हुआ है वो जो है ऊपर नीचे होने लगेगा, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं उससे जो स्क्रोलिंग बटन से, तो जो है स्क्रोलिंग व्हील से, तो उससे जो है आप लोग देख सकते हैं कि नीचे जा रहा है बटन, नीचे करने से आपको ग्राउंड दिखेगा, ऊपर करने से आपको आसमान दिखेगा। तो ये बेस्ट फीचर मुझे लगा DJI Mini 2 का।